हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन हिंदी कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे मैग्नेट ब्रेन हिंदी में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 7वी से लेकर 12वीं की सभी सभी क्लासेस के सभी विषय के वीडियोस 100% फ्री प्रोवाइड करता है ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एन टी एस सी ओलंपियाड आई आई टी जेईई नीट यूपीएससी बैंक इंश्योरेंस सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा 100% परसेंट फ्री देख सकते हैं किसी भी तरह से किसी भी तरह से कोई हम चार्ज की बात नहीं करेंगे पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करेंगे 100 परसेंट फ्री है 100 परसेंट फ्री रहेगा बस आप ध्यान से वीडियो देखो लाइक करो सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो प्लीज अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपका और हमारा साथ यू ही बना रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में लेकर आई हूं आपकी पूरक पाठ्यपुस्तिका वर्णिका का पाठ एक जो कि हम शुरू कर चुके हैं दही वाली मंगम्मा और इसी पार्ट के हम करेंगे आज बहुविकल्पीय प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें प्रश्न रहेगा एक ऑप्शन रहेंगे चार और हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्स देते हैं और खास तौर से आर्यन आ, मुन्ना और सॉरी मैं नाम भूल जाती हूँ लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं वेरी वेल डन इसी तरह से मैग्नेट बेन्स पर बने रहो इसी तरह से वीडियोस देखते रहो अधिक से अधिक शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स में जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो भी आपके रिलेटिव्स हैं सबको वीडियो शेयर करो ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें और बहुत अच्छे से फ्री पढ़ सकें क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी बातें है होती हैं जो हम एक बार में नहीं समझ पाते तो वीडियो तो आपको जितनी बार देखना हो आप उतनी बार देख सकते हैं कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कोई समय की पाबंदी नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि दिन निश्चित होगी भाई आप सिर्फ सोमवार से शुक्रवार देखेंगे या सोमवार से बुधवार देखेंगे सातों दिन चौबीसों घंटे आप जब फ्री हो जब आपको टाइम मिले जब आपको लगता है कि अब मुझे पढ़ना है तो बिल्कुल आप मैग्नेट ब्रेन पर जाइए जैसे आपको हिंदी में देखना है ना तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन हिंदी और प्ले पर जाएंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे हर एक विषय के वीडियोज आप देखिए इसी तरह से बने रहिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मैं बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स का और एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर ध्यान से देखिएगा क्योंकि उत्तर देना है आपको दही वाली मंगम्मा के रचियता कौन है लेखक होता है लेखक तो किसने लिखा है ये चैप्टर <coughs> सात कोड़ी होता नहीं ईश्वर पेटनीकर नहीं श्रीनिवास या फिर प्रेमचंद उत्त, श्रीनिवास, ओके चलिए चेक कर लेते हैं वेरी वेल डन कीप इट अगला प्रश्न मंगम्मा बरसों से बारी में दिया करती थी मंगम्मा कई बरसों से क्या दिया करती थी दूध चावल मछली या दही क्या बेचती थी पाठ का नाम क्या है दही वाली मंगम्मा अर्थात इसका जो आंसर होगा वो होगा दही वेरी गुड नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी बेटी मां पुत्र वधु या सास ध्यान से पढ़ना प्रश्न क्या है अचानक से जल्दबाजी में पढ़कर उत्तर मत देना लिखा है नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी तो नंजम्मा मंगम्मा यदि यहां लिखा होता मंगम्मा नंजम्मा की कौन थी तो उत्तर दूसरा होता लेकिन लिखा है नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी बोलो बेटी मां पुत्रवधू या सास तो नंजम्मा थी हम्म? पुत्रवधू, वधु मीन्स बहु यस क्या बात है बहुत बढ़िया और यदि यहां लिखा होता मंगम्मा नंजम्मा की कौन थी तब आंसर क्या आता सास ओके गुड श्रीनिवास का पूरा नाम है जो राइटर है रचिता है उनका पूरा नाम क्या है सावर दंडिया सुजाता आरती वेंकटेश अयंगर या सात कोड़ी होता क्या नाम है श्रीनिवास जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यदि आपने ध्यान से सुना था कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है श्रीनिवास के साथ साथ उनका जो पूरा नाम यदि आपने पढ़ा है तो जरूर आप उत्तर दे पा रहे होंगे बताओ जल्दी हम्म आ, आ, बताओ बताओ आरती वेंकटेश अयंगर हां कैसे जाने आप अरे वाह वेरी गुड बहुत बढ़िया वेल्डन well चलो आगे चलते हैं दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है मेन कैरेक्टर लक्ष्मी मंगम्मा पापती सीता मंगम्मा पक्का लॉक करूं। चलो देख लेते हैं यस वेरी गुड बहुत बढ़िया दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है बहुत अच्छे से इसका उत्तर देना कि जो चैप्टर हमने पढ़ा वो किसे संदेश देती है जो कि इनमें से यहां पर लिखा है माताओं को पुत्रियों को बहुओं को या छात्रों को हुँ? माताओं को पुत्रियों को बहुओं को या छात्रों को क्या उत्तर होना चाहिए हु? पुत्रियों को या छात्रों को ओके okay, चलो देख लेते हैं पुत्रियों को क्योंकि ना सास भी कभी थी तो बेटी ही जाएगी या बेटी का जब विवाह होगा तो वो मां भी बनेगी वो बहू भी बनेगी सब बनेगी तो यदि बेटी को सही रूप से शिक्षित किया जाए या सही उसका मार्गदर्शन किया जाए तो ये सारे के सारे जो झगड़े होते हैं वो नहीं होंगे और झगड़े मतलब थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं लेकिन इस तरह से मन मुटाव नहीं होगा इस तरह से कोई शत्रुता की भावना नहीं आएगी मंगम्मा क्या बेचती थी दूध दही मक्खन घी तो दही ओके गुड दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है श्रीनिवास सात कोड़ी होता ईश्वर या सुजाता कहानीकार और एक बात बता दूं यदि कथावाचक पूछा जाएगा तो आंसर कुछ और होगा कहानीकार पूछा है तो आंसर कुछ और होगा इसलिए आपको बहुत ध्यान से आंसर देना होगा यदि यही लिखा होता कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है तो आंसर दूसरा होता हो सकता है ऑप्शंस भी आते अलग से लेकिन यहां पूछा गया है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है श्रीनिवास सात कोड़ी होता तो श्रीनिवास जी मंगम्मा की बहू का नाम क्या था रंगम्मा नंजम्मा संजम्मा कंजम्मा क्या नाम था ऐसे ही नाम होते हैं कन्नड़ भाषा में तो क्या नाम था बहू का रंगम्मा ओके मैं कोई एक्सप्रेशन भी नहीं देती हूं और हिंट भी नहीं दे रही हूं आप बताओ रंगम्मा नंजम्मा संजम्मा कंजम्मा बहु का नाम रंगम्मा नहीं तो नंजम्मा नंजम्मा चेक करें अरे वाह गुड वेल डन वेरी गुड अगला दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है उड़िया तमिल कन्नड़ या गुजराती तो ये भाषा मतलब ये जो कहानी है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है उड़िया में है तमिल में है कन्नड़ में है या गुजराती में है तमे आंसर बताओ हम्म, बताओ बताओ कन्नड़ सी ओके वेरी डन कीप इटअप बहुत 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 बढ़िया वेरी 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 गुड वेरी गुड वेरी डन दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है बहुत सही प्रश्न आया है कि दही वाली मंगम्मा तो कन्नड़ की कहानी है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया मैंने कहा था जब हम ये पढ़ रहे थे ना तो मैंने कहा था कि याद रखिए ये नाम ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कौन है इसके ट्रांसलेटर किसने ट्रांसलेट की अनुवाद किया बी आर नारायण श्रीनिवास ये तो लेखक हैं, गोपाल दास नागर या ईश्वर पेटलीकर कौन है इसके अनुवादक इसके अनुवादक हैं बी आर नारायण क्या बात है अगला प्रश्न मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे मंगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे एक तो थी मंगम्मा बहू का जिक्र हुआ है पोते का जिक्र हुआ है और बेटे का जिक्र हुआ है इसका मतलब उसके परिवार में दो तीन चार पांच चार सदस्य थे पांचवा तो नहीं दिखाई दिया है ना तो चार को हम टिक कर दे चलो ठीक है यस बिल्कुल मंगम्मा स्वयं बेटे बहू और पोता श्रीनिवास का जन्म कहां हुआ था उनका जन्म बिहार क्या बिहार में हुआ था श्रीनिवास जी का जन्म हां हां बताइए क्या आपके स्टेट में उनका जन्म हुआ था या उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में तो उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में कथाकार को बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी दूध घी सब्जी या दही तो इसका आंसर तो जल्दी से सभी दे देंगे दही वाली मंगम्मा यस अगला प्रश्न दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है बहुत जल्दी आंसर दीजिए क्योंकि इससे अभी बिल्कुल कुछ मिनट्स पहले ही मैंने आपको बताया था कि यदि प्रश्न आया कि कहानीकार कौन है तो आंसर कुछ और होगा यदि प्रश्न आया कि कथावाचक कौन है तो आंसर कुछ और होगा तो कथावाचक एक शिक्षिका थी मेरी तरह या फिर बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला संभ्रांत मतलब उच्च अच्छे कुल में रहने वाली अच्छी बड़ी सभ्य समझदार या फिर एक कलाकार थी या इनमें से कोई नहीं अब बहुत सोच समझकर उत्तर देना क्योंकि आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न जरूर आ रहा हो होगा कि कथावाचक तो लेखक की मां थी लेकिन यहां ऑप्शन तो आया ही नहीं कि लेखक की मां आई नो कि आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि कथावाचक तो लेखक की मां थी यदि यहां कहीं लिखा होता कि लेखक की मां तो हम बहुत जल्दी टिक कर देते लेकिन लेखक की मां तो है ही नहीं तो क्या यह वाला सही होगा रुको जो लेखक की मां थी वो एक सभ्य थी एक संभ्रांत मतलब उच्च कुल की महिला थी समझदार थी और अच्छी थी लेखक की मां थी तो बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला ये आंसर होना चाहिए चलो देख लेते हैं यस बिल्कुल ठीक है क्योंकि वही कथावाचक थी और ये जो है वो लेखक की मां भी थी अधिक बुद्धिमान कौन थी बहुत सास मतलब मंगम्मा गांव की एक अन्य महिला नंजम्मा या इनमें से कोई नहीं अधिक बुद्धिमान पूछा है सिर्फ बुद्धिमान कौन थी यह नहीं पूछा है अधिक बुद्धिमान कौन थी किसने बड़ी चालाकी से क्या किया था थोड़ा सा स्टोरी याद करो कथा याद करो कहानी याद करो कि क्या हुआ था जब मंगम्मा अकेली रहने लगी थी फिर क्या हुआ था फिर किसने अपने बेटे को किसके पास भेजा था और क्यों भेजा था समझदारी और सूझबूझ का परिचय किसने दिया था तो नंजम्मा उसकी बहू जो थी वो अधिक समझदार थी अधिक बुद्धिमान थी मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है जो मंगम्मा कैरेक्टर है मंगम्मा जो पात्र है वो किसका मतलब किसका प्रतिनिधित्व करती है एक नगरीय महिला की एक मतलब या एक ग्रामीण महिला की एक संभ्रांत महिला की या इनमें से कोई नहीं तो मंगम्मा एक बहुत बड़े नगर की किसी महिला का प्रतिनिधित्व करती है या किसी गांव की महिला का या एक संभ्रांत मतलब उच्च कुल की महिला का या इनमें से कोई नहीं क्या लगा आपको नगर ग्राम ग्राम मतलब गांव ग्रामीण या एक उच्च कुल की तो ये तो नहीं है या इनमें से कोई नहीं मतलब नहीं भाई ये नहीं है आपको इनमें से चूज करना होगा तो नगर की महिला वो थी नहीं तो आंसर यही होना चाहिए बिल्कुल बहुत बढ़िया अगला प्रश्न रंगप्पा कौन था मंगम्मा का पुत्र नंजम्मा का भाई मंगम्मा का पौत्र या इनमें से कोई नहीं बहुत सोच समझ कर उत्तर देना क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई हो या हो सकता है इनमें से कोई ना हो यदि आपको याद है यदि आपने कहानी बहुत अच्छे से सुनी है तो आप आंसर दे पाओगे रंगप्पा था क्या इनमें से कोई था मंगम्मा का पुत्र बिल्कुल नहीं, नहीं था नंजम्मा का भाई था नहीं था मंगम्मा का पौत्र मतलब पोता था नहीं था मतलब इनमें से कोई नहीं हाँ बिल्कुल आंसर तो यही लग रहा है और यही होना चाहिए क्योंकि इनमें से वो कोई नहीं था यस गुड वेरी वेल डन आर्यन बहुत बढ़िया कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी कथावाचक कौन थी लेखक की मां तो मंगम्मा कथावाचक को क्या कहती थी बहन जी दही ले आऊं क्या बहन जी कहती थी या मौसी जी कहती थी मां जी कहती थी या काकी जी कहती थी मंगम्मा कथावाचक को क्या कहकर संबोधित करती थी ए बी सी या डी तो वो कहती थी माजी अगला प्रश्न बहु की दशा है अंतिम पैराग्राफ याद कीजिए जब हम बिल्कुल लास्ट व्याख्या जब पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ लिखा था कि बहु की हालत उसकी तरह थी सास की हालत इसकी तरह थी तो बहु की क्या दशा है मगर मच्छ सी मछली सी सामान सामान्य या इनमें से कोई नहीं तो बहु की हालत जो थी वो मगरमच्छी सी थी समझ आया हुँ? ओके बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर जो कक्षा सातवीं से बारहवीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन हंड्रेड परसेंट देता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की क्वालिटी के साथ बेस्ट फैकल्टीज के साथ हंड्रेड परसेंट फ्री प्रोवाइड करता है और ये मैं नहीं कह रही हूं यदि किसी को लगता हो कि लोग साहब अपनी ही बातें करते रहते हैं नहीं नहीं ये आप सबके रुझान आप सबके कॉमेंट्स हमें बताते हैं कि मैग्नेट ब्रेन क्या है इसलिए मैं आपके सामने ये बातें कर देती हूँ ठीक है सो so, आपको शिक्षा से रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है 100 परसेंट फ्री है किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करेंगे जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाएं एनटीएससी ओलंपियाड आईआईटी आई जेई नीट यूपीएससी बैंक इंश्योरेंस सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज भी आप देख सकते हैं शत प्रतिशत फ्री मीन्स हंड्रेड फ्री ठीक है सो आपको बस ध्यान से वीडियोस देखना है चाहे जिस भी विषय का आप वीडियो देखें बस ध्यान से देखना ताकि जिस उद्देश्य को लेकर आप वीडियो देख रहे हैं उस वो उद्देश्य पूरा हो सके यहां वहां ध्यान लगाओगे तो ना तो वो काम सही से होगा ना ये काम सही से होगा सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट ध्यानपूर्वक वीडियो देखो लाइक करो सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्थ रहिए खुश रहिए बाय थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू